नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। कंप्यूटर सीखे पार्ट 34, कंप्यूटर कीबोर्ड की F1 से F12 कीज का प्रयोग। जाने कंप्यूटर कीबोर्ड में दी गई F कीज, F1 से लेकर F12 तक के बटन्स के फंक्शंस। F कीज का इस्तेमाल। F1, जब भी आप किसी प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं और उसमें आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो यह की प्रेस कर सकते हैं। इससे आपकी स्क्रीन पर हेल्प विंडो ओपन हो जाएगी। यदि आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय F1 की को प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर सेटअप में पहुंच जाता है, जहां पर आप कंप्यूटर की सेटिंग के चेक और चेंज कर सकते हैं। F2, अगर आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कर F2 की को दबाएं। ऐसा करने से आप फाइल या फोल्डर का नाम बदल पाएंगे। इसके अलावा MS Word में इस फंक्शन की सहायता से आप अपने खुली हुई फाइल का प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। F3, किसी भी ऐप में सर्च ओपन करने के लिए इस की का प्रयोग किया जा सकता है। यदि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इस फंक्शन की को दबाते हैं तो विंडो में सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें किसी भी फाइल या फोल्डर को आसानी से सर्च किया जा सकता है। F4, अगर आप किसी विंडो को बंद करना चाहते हैं तो Alt प्लस F4 की दबाएं। MS Word में इस की का प्रयोग करने से पिछला काम रिपीट हो जाता है, जैसे यदि आपने पहले कोई शब्द टाइप किया था तो वही शब्द दोबारा से टाइप हो जाता है। F5, किसी भी विंडो या प्रोग्राम को रिफ्रेश करने के लिए यह की काम आती है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इस की के द्वारा आप अपनी विंडो को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके अलावा MS PowerPoint में इस की सहायता से स्लाइड शो भी कर सकते हैं। F6, अगर आप इंटरनेट ब्राउजर की एड्रेस बार पर कर्सर ले जाना चाहते हैं तो इस की को दबाएं। MS Word में खुले कई डॉक्यूमेंट को एक एक करके देखने के लिए Ctrl प्लस Swift प्लस F6 की का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही F6 की को दबाने से विंडो में खुले फोल्डर के कंटेंट दिखने लगते हैं। F7, आप MS Word में काम कर रहे हैं और स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह की आपके काम आएगी। F8, कंप्यूटर को ऑन करते समय अगर आप बूट मेन्यू में जाना चाहते हैं तो यह की दबाएं। MS Word में इस फंक्शन की के द्वारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। F9, MS Word डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश करने और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में इस फंक्शन की का प्रयोग ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस की सहायता से आप लैपटॉप में स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। F10, किसी भी प्रोग्राम में इस की का प्रयोग मेन्यू ओपन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यदि आप शिफ्ट के साथ F10 की को दबाता है तो ये माउस के राइट की का काम करने लगता है।
F11 ब्राउजर को फुल स्क्रीन या इससे बाहर आने के लिए इस की का इस्तेमाल किया जा सकता है। F12 MS Word में इस फंक्शन की को दबाने पर सेव एज ऑप्शन खुल जाता है। शिफ्ट के साथ F12 दबाने पर MS Word फाइल सेव हो जाती है। हमारा यह वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।